सोशल ट्रेड पर मार्च में आर या पार, सोशल ट्रेड से जुड़े लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, मार्च में हो जाएगा सबसे बड़ा फैसला। 3700 करोड़ घोटाले का मास्टरमाइंड अनुभव मित्तल। 1 मार्च तक अनुभव मित्तल जुडिशियल कस्टडी में है, यानी जेल में है। उससे तमाम एजेंसियों ने तमाम तरह के राज उगलवा लिए हैं। अब हमारे सूत्रों का दावा है कि जो भी फैसला होना है वो मार्च में हो जाएगा। टीडीसी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया से जुड़े सूत्र ये दावा करते हैं जो पैसा अनुभव मित्तल ने कमाया था वो पैसा देश में कई अलग अलग बैंकों में बेनामी खातों में रखा गया। लेकिन अब ऐसे तमाम खातों का ब्यौरा मिल चुका है। एक सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर यह भी बताया कि मित्तल ने कुछ पैसा विदेशों में भेजने की तैयारी कर ली थी। स्विस बैंक के अधिकारियों से उसकी बात चल रही थी। वो और उसकी पत्नी दोनों ही इस ताक में थे कि वो पैसा विदेशों में जमा करके चुपचाप एक दिन इस देश से खिसक जाएं। लेकिन ऐसा हो न सका। अब सोशल ट्रेड से जुड़े तमाम इन्वेस्टर्स में बेचैनी है, मायूसी है। उन सबको इंतजार है मार्च का, उम्मीदों के मार्च का, जो बहुत जल्दी दस्तक देने वाला है। लेकिन अब देखने की बात है कि वो पैसा निकल कर आता है या नहीं। लेकिन एक बात और भी तय है, ऊंट इस पार या उस पार किसी भी करवट बैठेगा जरूर। पैसे मिलेंगे या डूबेंगे, लेकिन कोई ना कोई फैसला होगा जरूर। टीडीसी न्यूज की रिपोर्ट।